मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की आवश्यकता होती है ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए। वो प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन और यूटिलाइज करते हैं अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के जरिए न्यूट्रिशन कहलाती है। हम बहुत सारे भोजन को खाते हैं जिनमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट शामिल है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि जिन एनिमल्स को हम मीट के लिए खाते हैं वो प्लांट्स पर अपनी नरिशमेंट के लिए डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स को अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है। प्लांट्स अपनी न्यूट्रिशन को बहुत सारे अलग अलग मोड से हासिल करते हैं जिनके बारे में हम इस मॉड्यूल में जानेंगे। प्लांट्स अपने फूड को ब्रॉडली दो मोड से हासिल करते हैं, ये है ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक मोड्स। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के जरिए बनाते हैं। ऐसे प्लांट्स को ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हेटरोट्रोफ्स कहते हैं और ऐसी न्यूट्रिशन को हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक में। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन मोड में ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं डेड और डीकेइंग मैटर से। वो प्लांट्स जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं सैप्रोट्रोफ्स कहलाते हैं। फंगाई जो ब्रेड पर उगता है सैप्रोट्रोफ का एक वेल नोन एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर को शेयर करते हैं। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं लाइकन्स। एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसे पैरासिटिक मोड कहते हैं। इस मोड में दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसे होस्ट कहते हैं उसे नुकसान होता है। वो ऑर्गेनिज्म जो जनरली होस्ट की बॉडी के अंदर या ऊपर रहता है और फूड और प्रोटेक्शन हासिल करता है पैरासाइट कहलाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहते हैं और अपना फूड ऑब्टेन करते हैं पैरासाइट्स कहलाते हैं और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। एक ऐसा ही प्लांट है कस्क्यूटा जो दूसरे प्लांट से फूड छीन लेता है उनके ऊपर क्लाइंब करके। न्यूट्रिशन वो मोड जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बहुत ही मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उन्हें ऑटोट्रोफ्स कहते हैं और प्रोसेस को ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसलिए सारे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं सराउंडिंग्स में मौजूद सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब आप सोच रहे होंगे कि फूड प्लांट की बॉडी में सभी पार्ट्स में बनता है या कुछ सर्टन पार्ट्स में बनता है। एक्चुअली लीव्स प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। इसका मतलब ये है सिंथेसिस ऑफ फूड लीव्स में होता है, इसलिए सारा रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुंचना चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
वाटर और मिनरल्स जो सॉइल में मौजूद होते हैं रूट्स द्वारा अब्सॉर्ब किए जाते हैं और लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ली जाती है लीव्स के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स टोमेटा के जरिए। वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन वेसल्स की मदद से होती है जो कि रूट स्टेम ब्रांचेस और लीव्स में पाइप की तरह चलती हैं। ये वेसल्स एक कंटिन्यूस पाथ बनाती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को लीव तक पहुंचाती हैं। लीव में एक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल लीव्स को सनलाइट कैप्चर करने में मदद करता है। प्लांट्स सनलाइट का प्रयोग करते हुए सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। वो प्रोसेस जिसके जरिए प्लांट्स अपना फूड सनलाइट को यूज करते हुए बनाते हैं फोटोसिंथेसिस कहलाती है। वर्ड फोटोसिंथेसिस ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जहां पर फोटोन का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू ऑब्टेन। आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रोफ्स कहते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया लीव्स में होती है, इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री कहते हैं। भोजन को बनाने की प्रक्रिया में प्लांट के दूसरे पार्ट्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रूट्स सॉइल से वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करती हैं। स्टेम या ट्रंक वाटर और मिनरल को लीव्स तक कंडक्ट करता है। अगर आप लीफ के सेक्शन को कट करें और इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आप लीफ के अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाएंगे जो बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड है। लीफ का अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट लेयर को अपर एंड लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस एक थिन वैक्सी लेयर क्यूटिकल से कवर्ड होता है जो वाटर लॉस रोकता है। लोअर एपिडर्मिस में ओपनिंग स्टोमेटा होती हैं, जो कि गार्ड सेल से सराउंडेड होती हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर स्टोमेटा से प्रवेश करती है। वेन वो एरिया है जो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर सिचुएटेड है। वेन के अंदर वेसल्स हैं जो वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक लाती हैं। अपर और लोअर एपिडर्मिस की मिडल लेयर दो लेयर्स में डिवाइडेड है जिन्हें हम पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर कहते हैं। पैलिसेड सेल्स का जोन अपर एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होता है। इन सेल्स में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। आप जानते हैं कि क्लोरोफिल लीव्स को सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करने में मदद करता है। वो सेल जिनमें क्लोरोफिल मौजूद है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है जो कि स्टोमेटा के द्वारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। इसके बाद प्रिपेयर्ड फूड प्लांट के सभी पार्ट्स में भेजा जाता है मेंस के जरिए। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। CO2 plus H2O presence of chlorophyll sunlight gives carbohydrates plus oxygen. आपको अक्सर वाटर बॉडीज पर स्लाइमी ग्रीन पैचेस नजर आते हैं। ये पैचेस एल्गी की ग्रोथ की वजह से बनते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एल्गी कलर में ग्रीन क्यों होते हैं। एक्चुअली इनमें क्लोरोफिल होता है। एल्गी अपना फूड स्वयं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से बना सकते हैं। How nutrients are replenished in the soil? क्या आपने फार्मर्स को फील्ड में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हुए देखा है?
क्या आप जानते हैं कि ये सॉइल में क्यों ऐड किए जाते हैं? हम जानते हैं कि प्लांट्स सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी सॉइल से कम होती रहती है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। सॉइल को एनरिच करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम डालना होता है। हम प्लांट्स उगा सकते हैं और उन्हें हेल्दी रख सकते हैं अगर हम प्लांट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी करते रहें। यूजुअली क्रॉप्स को बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए होती है प्रोटीन्स बनाने के लिए। हार्वेस्ट के बाद सॉइल नाइट्रोजन में डेफिशिएंट हो जाती है। आप ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, लेकिन प्लांट्स इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते जैसा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कर सकते हैं। प्लांट्स को नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। राइजोबियम नाम का बैक्टीरियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करके इसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन राइजोबियम अपना फूड खुद नहीं बना सकता, इसलिए ये बैक्टीरियम ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स और दूसरे लेग्यूम्स की जड़ों में रहता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ज्यादातर दालें लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं। नाइट्रोजन के बदले में प्लांट्स बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए दोनों के बीच में सिंबायोटिक रिलेशनशिप होती है। ये एसोसिएशन फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फार्मर्स को उस सॉइल में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं होती जहां पर लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। पिछले मॉड्यूल में आप जान चुके हैं कि ज्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स होते हैं। बस कुछ ही प्लांट्स के दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। प्लांट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करते हैं। सारे एनिमल्स को हेटरोट्रोफ्स की फॉर्म में कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं।